नमस्कार, मैं हूं पंकज रिपोर्टर। इस वक्त हम वाराणसी में हैं। आज बनारस की शाम कुछ नए अंदाज में आपको दिखाएंगे। इस वक्त यहां पे देखते हैं काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बना हुआ है, देख सकते हैं। और यहां पे लोग जो है आ रहे हैं और बाबा विश्वनाथ का दर्शन भी कर रहे। काफी श्रद्धालु लगातार जो है दर्शन करने में लगे। वो वहीं बता दें, एक तरफ मणिकर्णिका घाट है, वहाँ पे जो है 24 घंटे लाशें जलती है। वो तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बनारस की शाम नए अंदाज में आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं एक तरफ जो है मणिकर्णिका घाट पे जो है लाशें जो है 24 घंटे जलती है। और आपको सीढ़ी के माध्यम से हम आपको कुछ दिखाने का प्रयास करेंगे। और यहाँ पर जो है काफी लोग भी आते हैं, काफी भीड़ रहती है। आप देख सकते हैं बहुत लोग, तो मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद जो है क्या होता है उनके शरीर के साथ जो है, अब देख सकते हैं वो शरीर जो है पूरी तरह से 5 तत्वों में विलय हो जाती है। 5 तत्वों में भी शरीर जो है विलीन हो जाती है। और मणिकर्णिका घाट की नज़ारे आपको देख सकते हैं, मणिकर्णिका घाट की नज़ारे। और यहाँ पर जो है 24 घंटे लाशें जलती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत लोग हैं, काफी तादाद में लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर जब इंसान की मृत्यु हो जाती है उसके साथ क्या होता है, वो सच्चाई हम आपको रूबरू कराएंगे। सच्चाई हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। सच्चाई देख सकते हैं वही सच्चाई है। और यहाँ पर इंसान की जब मृत्यु हो जाती है तो उसके साथ किस तरह से होता है, काफी यहाँ पर जो है 24 घंटे जो है लाशें जलती है। मणिकर्णिका घाट की नज़ारे हम आपको दिखाएंगे, सीधा जो नज़ारे है। और यहाँ पर जो है काफी संख्या में लोग यहाँ पे हैं। और मंदिर यहाँ की आपको नज़ारे हम आपको दिखाने का प्रयास के नज़ारे देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है बोट भी चलाई जा रही है और लोग भी आनंद भी ले रहे हैं। और यहाँ पर काफी नए अंदाज की तरीके से लोग आ रहे हैं। यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। अब देख सकते हैं काफी दूर दराज से लोग आए भी हैं और अपनी जो है डेड बॉडी लेकर आए हुए हैं, उसके इंतजार कर रहे हैं कब ये मतलब टाइम खत्म होगा, तो हमको अपनी बारी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं लोग यहाँ पे। और तस्वीरें आपको नए अंदाज में दिखाएं, तस्वीरें दिखाने पर आप देख सकते हैं तस्वीरें, आदमी का मृत्यु हो जाती है तो आदमी का जो है शरीर जो है किस प्रकार 5 तत्वों में विलयन हो जाती है। माँ गंगा है, गंगा में जो है उनके जो है अर्थी को जो है समर्पित करती है, प्रभावित करती है, अर्थी को जो है प्रभावित किया जाता है। विजुअल दिखा दो, यहाँ पर देख सकते हैं करीब जो है घाट पे जो है मणिकर्णिका जो घाट है यहाँ पे करीब 200 से 300 लाशें हमेशा जलाई जाती है। और यहाँ पे रातों दिन जो है लाशें जलाई जाती है। और यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं वो तस्वीरें हम आपको बताने के बाद तस्वीरें देख सकते हैं, अभी यहाँ पर लाशें जली रही है और रात दिन यहाँ पे लाशें जलती है। और यहाँ की बताएंगे इनके बारे में। और यहाँ पर जो भी मतलब मणिकर्णिका घाट पे लाशें जलाते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। और उनके अब तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे सीधे। अब देख सकते हैं यहाँ पे लकड़ी उकड़ी भी लगी रहती है और यहाँ पे काफी लोग भी आते हैं। और यहाँ पे एक साक्षी मानते हैं कि यहाँ पे मणिकर्णिका घाट जो है काफी अच्छा रहता है, यहाँ पर लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। लेकिन बट आप देख सकते हैं मंदिर है और यहाँ पे लकड़ियाँ हैं, कुछ बाबा जी भी लोग हैं, बाबा जी भी अपने जो है लगे हुए कार्यों में लगे हुए हैं। और यहाँ पे सीधा महादेव की नगरी माना जाता है। कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे, तस्वीरें आप देख सकते हैं। और यहाँ पे लकड़ियाँ जो है लकड़ियाँ रखी हुई है और लाशें जो है प्रतिदिन लाशें यहाँ पे जलती है और लगातार 24 घंटों में काफी लाशों 200-300 से लगभग लाशें यहाँ पे जल चुकी है। और लोग भी आ रहे हैं, भीड़ की तादाद बढ़ती जा रही है। और यहाँ पर हर तरह से सुरक्षा का इंतजाम भी कर लिया गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे लकड़ियाँ रखी हुई है और लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। और उनके बारे में बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से लोग यहाँ पे आते हैं, अब लाश को जलाते हैं तो उनको एक
मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, मणिकर्णिका घाट, गंगा घाट है और यहाँ पे नदियाँ लगी हुई है, काफी भीड़ भी लगी हुई है, वो भी नजारे में आपको सीधा होते हैं। अंतर क्या है ये जरूर, सारी इच्छाएं शांत शांत होती है जितना अगर मन जीवन का जो सत्य और सामने समझ में आ जाए, मन परेशान हो तो अगर एक बार यहाँ जरूर आएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। जिसको अपना कर दिया है, ब्लॉगिंग चला, ब्लॉगिंग यूट्यूब पर, वो एक बार जगह चक्कर लगा ले सब अंकल दूर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी वीडियो में बनी रही है, मैं और भी कोशिश करता हूँ आपको दिखाने के नज़ारे, और देख सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल। बताइए यही कहें भी आप? मैं बिल्कुल यही कहा हूँ। क्या मैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर वहाँ से आया हूँ। हाँ, मेरे एक मित्र के माता जी का देहांत हो गया, हम लोग यहाँ पे सीता में अग्नि देने के लिए आए हुए हैं। तो क्या कुछ बताएंगे मणिकर्णिका घाट के बारे में? मणिकर्णिका घाट के बारे में क्या बताना है, जहाँ लोग जीने के लिए घूमते हैं, यहाँ मरने के लिए आते हैं, यहाँ तो मौत का उल्लास मनाया जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ लोगों के घर में गम होता है मरने के बाद, यहाँ सबके चेहरे पे कहीं ना कहीं एक शांति और सद्भाव की भावना होती है। जहाँ लगातार एक राजा हो या रंग, सबको एक दिन यहाँ आना ही है, ये अंतिम सत्य है जो राम नाम सत्य लोग बोलते हैं, लेकिन पूरा जीवन लगा देते हैं धन दौलत कमाने में, सब कुछ यही छोड़ के जाना पड़ता है। असली मंजिल यही है, यही है सत्य, यही है। अगर आपका कभी भी मन नहीं लगे या किसी भी प्रकार का, आप जो है एक बार मणिकर्णिका घाट जरूर आए और यहाँ तक जाने जीवन और मृत्यु में क्या अंतर है, अगर किसी भी प्रकार की चिंता है तो यहाँ पर जरूर आना चाहिए और देखना चाहिए किस प्रकार यहाँ पर लोग आते भी हैं, उनके दिल में उनके दर्द में क्या रहता है, सच्चाई उसको तभी पता चलेगा जब यहाँ पर आएगा। हर खबरों पे सब देखेंगे किस तरह से लोग आ रहे हैं। तब तक के लिए मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, और हम आपको नए खबर के साथ मिलेंगे, तब तक जय हिंद।